गाइस, ये है दुर्गापुर से रिवालसर जाने के लिए रोड। और ये आपको पता होगा, यहाँ पे बोलते हैं डेवारा नाड़, जो इस जगह का नाम है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्पॉट है पूरा का पूरा नीचे धंस चुका है। देख सकते हो ये जो जंगल वाले, ये जो पाइन के ट्रीज हैं और साथ में देवदार के भी हैं, ये आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो चुके हैं, झुक चुके हैं। मैं नीचे तो हूँ पर मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। और ये जो आगे वाला एरिया है आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नीचे आ चुका है। ऊपर से जो तीन चार पेड़ें भी नीचे आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं। और ये जो यहाँ से आगे वाला स्पॉट है, ये तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत आगे तक चला गया है। मुझे नहीं लगता कि एक वीक से पहले पहले ये रोड यहाँ से खुलेगा किसी भी हालत में। मतलब 1% भी चांस नहीं है, यहाँ पे JCB भी आएगी तो पूरा का पूरा रोड वहाँ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाला ये तो चला गया है नीचे को। यहाँ से आधा बचा है, ये पेड़ है, बाकी यहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं बचा है। और ये वाला जो 20 मीटर वाला जो स्पॉट है, ये पूरा का पूरा नीचे धंस चुका है, ये कभी भी जा सकता है नीचे। हम स्कूटी लेके आए थे काकू वाले, तो वहाँ सामने तो मैंने आपको दिखाया है कि पूरा का पूरा रोड टूट चुका है, और ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ऊपर से स्लाइडिंग जोन है, पूरा का पूरा जंगल, ऐसा लग रहा है कि नीचे आ सकता है। तो जिसके कारण हमने अपनी स्कूटी को यहाँ पार्क करना था, तो चारों तरफ काकू बोल रहा है कि डर लग रहा है, ऊपर से पेड़ भी गिर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गुफा है, पूरा का पूरा पत्थर है, इसके नीचे काकू ने स्कूटी को अपने को पार्क कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, अगर ऊपर से पेड़ भी गिरता है तो इतनी बड़ी चट्टान है, ये कहीं नहीं जाएगी, इसके नीचे स्कूटी बिल्कुल सेफ है। अगर आपके पास कभी यहाँ पे आपको अंधेरा हो जाए या बारिश पड़ जाए, आपके पास कोई साधन ना हो यहाँ से जाने का, तो आप इसको अपना सियाना बना सकते हैं। इसके नीचे आप आगे से पर्दा लगा के छोटा सा यहाँ पे आप रह सकते हैं, आगे आग जला के यहाँ पे पूरी रात आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा दलदल है, मेरा पूरा यहाँ तक मैं नीचे घुस गया था, इसके बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, और मुझे बड़े संभल से जाना पड़ेगा। आ जाइए कम ऑन। आप देख सकते हो, आपको दिखाने के चक्कर में मुझे कितना स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है, और इतनी इतनी दलदली मिट्टी है कि अगर गलती से कहीं दलदल में मैंने रख दिया तो मैं पूरा का पूरा नीचे घुस गया। तो हमारा सफर चल चुका है, मैं काकू और मनु जा रहे हैं सर की धार। और यहाँ पे जो पैदल चलने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो भी सारे के सारे जा चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने घास काटी हुई है रास्ते में। आगे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो रोड है वो पूरा का पूरा कैसे खत्म है, तो अब हम जहाँ से पुराने लोग जाया करते थे जाने के लिए एकमात्र रास्ता था, आज हम कुएं पे जा रहे हैं। जय माने चलेंगे ना, तो बस इस तरह से बहुत ही भयावह और डरावना रास्ता कह सकते हैं हम इसको। पाँच दिन पहले कुनाड़ू का नाड़, जो यहाँ पर लोकल भाषा में बोला जाता है इस जगह को, तो यहाँ से नीचे की पूरा का पूरा सर लैंडस्लाइड हुआ है। और ये जो आपको झील का गंदा पानी दिख रहा है इस टाइम, ये पूरा का पूरा कीचड़ झील के पानी में मिल गया है। और जो रोड है उसके बिल्कुल रोड के लेवल में पूरी की पूरी झील,
का पानी आ गया है। तो सांस हमारी बहुत ज़्यादा चढ़ रही है क्योंकि यहाँ से चलते टाइम चढ़ाई है, और सबसे पीछे जो चला है वो है काकू, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। दोनों छाते लेके आए हैं और मेरे पास है रेन पोंचो इस तरह का, तो ये मुझे मेरे फ्रेंड मनीष ने दिया है, वो सोलन से लेके आया था, उसने एक मुझे दिया था, तो आज मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और ये है वो लैंडस्लाइड सामने, कहाँ, अच्छा, तो हमारे मनु पंडित जी हमें बता रहे हैं कि डो में एक घर है किसी का, वो पूरा का पूरा चला गया है। और सामने यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको सामने लैंडस्लाइड दिख रहा है, इसके बिल्कुल नीचे नीचे एक घर था जो पूरा का पूरा पहाड़ी दरकने से दब गया है। और ये हादसा हुआ है विकास नगर के एक मोड़ आगे, इसके नीचे सामने बिल्कुल यूनिटी स्कूल है, यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं और आगे का दृश्य आपको बताते हैं। वो आप देख सकते हो, मैं भी अभी यहीं पे चला हूँ। यहाँ से पूरा का पूरा पहाड़ नीचे दरक गया है और वो बिल्कुल नीचे, इतने नीचे आपको मेन रोड दिख रहा है रिवालसर जाने के लिए, तो इस रोड को पूरा इसने ब्लॉक कर दिया था जो 2-3 दिन के बाद खुला है। हमने तो सोचा था कि ये रास्ता यहाँ से बचा ही नहीं है, बट है यहाँ से थोड़ा सा चलने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस रास्ते से अभी हम आए ये निकलता है सीधा यहाँ पे रिवर सरगलू के पास, और यहाँ पे एक रेन शेल्टर टाइप बनाया है, इसके नीचे आप यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ से रिवर सर की लेक का जो व्यू है वो बिल्कुल हार्ट की शेप में दिखता है, तो यहाँ पे आके आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और सामने आपको दिख रही है डो विलेज, और हम चल पड़े हैं सर की धार की तरफ। सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। जहाँ पे हमने स्कूटी पार्क की थी उसके आगे हम पैदल ही आए हैं। हम चले तो सर की धार की तरफ थे, बट आगे मैं आपको हालत दिखाता हूँ, बहुत बुरी हालत है। इसको, इस रास्ते को खोलने के लिए, इस रोड को खोलने के लिए लगभग 1 मंथ तो लग जाएगा। आप ऊपर देखो, ऊपर मैं चढ़ूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कीचड़ ज़्यादा हो, बट ट्राई करते हैं क्योंकि एक हाथ में मैंने डंडा ले रखा है और दूसरे हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ तक तो हम आ गए हैं, बट इसके आगे रास्ता कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। ये तो पूरा का पूरा डो नीचे चला गया है, सामने आप देख सकते हो। चलो करो स्ट्रगल करो, यहाँ से नीचे और नीचे से ही पत्थरों के बीच से होते हुए वो सामने आ गए। फिर आगे कैसे जाएं, क्या बोलते हो गाइस, यहीं पे स्टॉपेज लें? तो जाना तो है, बट कैसे जाएं, है कुछ आपके पास आइडिया? मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको रोड दिख रहा है ये नैना देवी जाने के लिए मेन रोड है, और इस रोड की हालत कुछ बहुत ही दयनीय है। जो ये मेन रोड है ये पूरा का पूरा डो के पास पहुंचा हुआ है, विलेज के पास, तो लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर होगा डो का जो डिस्टेंस है। और आगे वाला जो मोड़ है वो भी पूरा का पूरा इसी तरह से नीचे गया है। अब हमारे लिए रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ से जंगल से जाएंगे और जहाँ से पहाड़ी इधर की है उस पहाड़ी के ऊपर से होते हुए बिल्कुल सामने आगे, फिर उसके बाद आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। इस तरह का लैंडस्लाइड रिवालसर मंडी में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत। और इसी लैंडस्लाइड के नीचे एक घर भी दब गया है, पूरी की पूरी डो विलेज सहमी हुई है। अभी जो ऊपर वाला व्यू है सर की लेक वाला, वो भी बहुत डेंजरस है, उसका पानी भी रोड से नीचे की तरफ आ रहा है।
ये जो नीचे वाली सामने आ गए है उधर गुदवाणी विलेज है, इनको खाली करवा दिया गया है। गाइस आई कांट शेयर माई टायर्डनेस इन वर्ड्स, आई एम सो टायर्ड बिकॉज द हिल इज सो स्टीप। मेरे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा। गलू वो सामने जहाँ से रिवालसर लेक का व्यू दिखता है, वहाँ से आप देख सकते हो मैं कितने ऊपर आ गया हूँ, और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मैं एक स्टेप भी आगे मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं आपको एक पहाड़ों की एक ख़ास बात बताऊँ, अगर आप भी कभी पहाड़ों में घूमने के लिए आओ और अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपकी जो एक्साइटमेंट है आपने अपनी एक्साइटमेंट को अपनी पैंट की एक पॉकेट में रखना है और फिर चढ़ाई बिल्कुल स्लोली स्लोली करनी है। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा देर तक चल भी पाओगे, आपका जो स्टेमिना है वो भी काफ़ी देर तक आपका साथ देगा, और जिस तरह से मुझे इस जंगल को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी तो जिसके कारण मैं बहुत जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ा, बट आधी चढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके आगे का जो सफ़र है आप देख सकते हो मैं कितने स्लो स्लो कर रहा हूँ, वो दोनों यहाँ से ऊपर जा चुके हैं, मैं धीरे धीरे चला हूँ। ये जो पूरा का पूरा नैना देवी जाने के लिए जो जंगल वाला रास्ता था, यहाँ से हमें पानी आता है, यहाँ पे बोलते हैं टिब्बा बंदर वाइंटलू, तो जो बंदर वाइंटलू वाली बाएँ हैं उसके जो ऊपर वाला पूरा का पूरा जंगल है उसमें से लगभग 30% जो पेड़ हैं वो गिर चुके हैं, और साथ में बारिश के कारण मिट्टी भी बह गई है। बहुत भारी नुकसान, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान। जो वहाँ पे गुदाणी विलेज में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये रहा सामने, आपको यहाँ से प्रॉपर तो दिखेगा नहीं बट मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा भर चुका है और एक साइड से पानी नीचे आ रहा है, और ये जो सामने लैंडस्लाइड हुआ है रिबा प्लेस के सामने, ये मुझे लगता है कि ये जो ऊपर वाला पानी है ये नीचे यहाँ से नीचे रिसा है और ये नीचे वहाँ पे उस पहाड़ी में वहाँ से निकला है नीचे, जहाँ से ये लैंडस्लाइड हुआ है नीचे आई थिंक, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। अभी हमें वो और ऊपर जाना है। ओह माय गॉड, मैं मिसगाइड करने वाला प्राणी, इसने इतना मिसगाइड किया हमें कि एक 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 फुट बता बता के, एक एक पत्थर बता बता के इसने कम से कम 2-3 किलोमीटर चढ़ाई करवा दी हमें। तो गाइस यहाँ पीछे एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था और मेरे पाँव में कांटा चुभ गया था जो काकू ने निकाल दिया है, दिखाइए ये रहा कांटा। और मैं आपको बताऊं कि जो डो वाली विलेज है वो पूरी की पूरी खतरे में है, क्योंकि ये जो पत्थर आपको इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है ये नीचे से पूरी की पूरी दरार पड़ चुकी है इसमें, तो ये कभी भी जा सकता है एनी टाइम। और यहाँ बताऊं मैं आपको, ये देखो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ देखो आप ये पूरी की पूरी पहाड़ी यहाँ से दरक चुकी है, यहाँ से भी देख सकते हो आप पूरी की पूरी टोटल, तो कभी भी जा सकती है। हम भी यहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो कहीं ब्लॉग बनाते बनाते मैं भी इसी के साथ साथ नीचे रिवालसर पहुंच जाऊं। तो अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, फिर देखो आप कितनी बड़ी दरार आ चुकी है यहाँ पे, पूरी की पूरी इस जगह बैठ चुकी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है। आपको देखो स्क्रीन में इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो रियल में तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पूरे एक घर के जितना है और पूरा एक ही है। अगर ये यहाँ से जाता है तो पूरी की पूरी डो विलेज को अपने साथ रिवालसर ले जाएगा और रिवालसर की भी हालत ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हो रिवालसर इसके बिल्कुल नीचे है। चलो यहाँ से चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सर की धार, और ये रहा सर का व्यू, यहाँ का लेक व्यू देख सकते हो आप, खदड़ा सर बोला जाता था इसको, और ये
सबसे लास्ट में आपको घर दिख रहा है लोगों का नीचे, इसके काफ़ी ज़्यादा दूर होता था पानी, बट ये पूरा का पूरा डूब चुका है पानी में। आगे आगे चलते चलते मैं आपको साथ साथ में दिखाता भी रहूँगा। और हम वॉकिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ का जो व्यू है, इससे हमें दिख रहा है कि जितने भी सर हैं ये सात थे, सात जिलों का समूह है, तभी इसको सात सर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सात सर हैं आपस में सातों के सातों मिल चुके हैं, जो कि यहाँ के जो साठ साठ साल के बुज़ुर्ग हैं वो भी मुझे यही बता रहे थे अभी कि ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि सातों सरों का जो पानी है वो मिल चुका है। तो जितना यहाँ से दिख रहा है इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आगे चल के दिखाता हूँ। तो जहाँ आपको ये झील दिख रही है, यहाँ पे सूखा सर बोलते थे और यहाँ पे ट्रॉफी होती थी, क्रिकेट की ट्रॉफी। तो मैं भी यहाँ पे कई बार खेला हूँ, तो आप देख सकते हो अभी का दृश्य। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं सामने, ये बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे डूब चुके हैं। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमने आना था, और ये जो सामने आपको लेक दिख रही है ये है कुंत भयोग लेक। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार अर्जुन की माता कुंती को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने 6 तीर छोड़े सबसे पहले, तो 6 तीर मारने के बाद फिर अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अर्जुन ने 7वां तीर छोड़ा और बोला कि अगर इस बार पीने के लिए पानी नहीं निकलता है तो मैं पूरा का पूरा पानी जो है वो यहीं ला दूँगा। तो जिसके बाद यहाँ पे 7वां तीर मारने के बाद कुंत भयोग लेक का जल निकला था, जो कंटिन्यू अब तक है, और यहाँ पे अर्जुन की माता कुंती ने पानी पिया था। आगे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे अर्जुन टेंपल और कुंती टेंपल है, वहाँ पे 5 पांडव है, और सामने देखिए हमारे बजरंगबली जी पंचमुखी हनुमान पूरे के पूरे पानी में समा गए हैं, इनके लगभग चेस्ट तक पानी आ गया है। और ये यहाँ पे एक नया होटल बना था, होटल पांडव मेडिटेशन कुछ ऐसा करके है इसका नाम। तो ये भी इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी पानी में पूरा का पूरा डूब गया है। यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था छोटा सा, साथ में एक यहाँ पे शमशान घाट था। शमशान घाट तो दिख बिन रहा है, बट यहाँ पे एक टेम्पल था, यहाँ पे लोग पूजा करते थे। तो आप देख सकते हो ये जो टेम्पल है इसका बिल्कुल जो सिर की चोटी जैसी बची है ऊपर वाली मुकुट, वो ही दिख रहा है, बाकी पूरा का पूरा टेम्पल पानी के अंदर डूब चुका है। पांडव मेडिटेशन एंड टूरिस्ट प्लेस नाम है इस होटल का, ये जो सामने है। और पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो ये जो रोड है कि यहाँ से होता हुआ बिल्कुल वहाँ से था, जो अभी पानी के बिल्कुल अंदर चला गया है। यहाँ पे गाड़ी तो दूर की बात है, बोट चल सकती है, और साथ में जो ग्राउंड था उसका पानी भी अगर एक आधी बारिश होगी तो ये दोनों का पानी मिल जाएगा आपस में। तो जो पानी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। ये जो ऊपर वाले लोग हैं देखो, यहाँ पे घर बिल्कुल नज़दीक ही हैं। ये पानी काफ़ी ज़्यादा दूर तक था, बट अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर आते थे मेरे फैमिली मेम्बर और मेरे कलीग पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ पे कई लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं, स्कूल का स्टाफ पूरा का पूरा। वो जो आपको पत्थर दिख रहे हैं वहाँ पे चूल्हे बना के उन्होंने पिकनिक मनाई है 2-3 बार। तो अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं इस वाले ग्राउंड की हालत, पूरा का पूरा पानी भर चुका है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी है, अगर मैं इसमें पूरा जाऊँगा तो पूरा डूब जाऊँगा। लगभग इसमें 6-7-8 फुट के करीब पानी होगा यहाँ पे। यहाँ से रोड हुआ करता था जहाँ पे अभी मेरे फ्रेंड खड़े हैं, वहाँ पे रोड हुआ करता था। ये रहा रोड, देखो यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ जाती थी यहाँ से। और ये देखो आप रोड, यहाँ से पूरा का पूरा पानी में चला गया है, और इस साइड से रहा फिर आगे को रोड और पानी। और ये वाला जो पांडव मेडिटेशन टूरिस्ट प्लेस है ये अभी अभी खुला है, जस्ट
इसको अप्रॉक्स 2 or 3 month हुए उन्हें ओपन हुए हुए, तो आप देख सकते हो इसकी हालत। इसका ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा पानी के अंदर है इस टाइम, पूरा का पूरा। और ये जो सामने गाड़ियाँ दिख रही है, ये उस किनारे से होते हुए रोड था, और रोड इस टाइम पूरा पानी के अंदर है, और वहाँ पे 2 गाड़ियाँ फंस चुकी है पूरी तरह से। जब पानी का लेवल डिक्रीज होगा तो तभी ये गाड़ियाँ निकल सकती है। बाकी यहाँ से ना उस साइड को रोड है ना इस साइड को रोड है, किनारे से होते हुए वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ से फिर ये वाला रोड था जो अभी पूरा का पूरा पानी के अंदर है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं जिस भी भाई की हैं वो तो अब भूल ही जाए, लगभग 6 महीने के लिए घर के आंगन में ही चला सकते हैं, बाकी इसके बावजूद कुछ और नहीं बोल सकता। इस क्या कहना लोगों का। तो जो शहर है उसके बिल्कुल बीचों बीच जब ये सूखा था उस वक्त लोगों ने क्या किया है कि इसमें सेब के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो लगा दिए हैं, और वो ठीक बड़े हो चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा पानी से भर चुका है और पूरा का पूरा बगीचा डूब चुका है। पंचमुखी हनुमान जी पानी के अंदर बिल्कुल डूब गए हैं। लोगों के घरों तक पानी आ गया है। पाडम, तो ये रहा कुंत भयोग लेक का बिल्कुल पास से व्यू। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी जो है वो इस लेक के अंदर भर चुका है। लोग हंडो के, रिवाल्सर के और भी दूर दूर से आए हैं इसको देखने के लिए। जो हनुमान जी हैं आपको सामने दिख रहे हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा नीचे, लगभग ऐसे 20 किलोमीटर नीचे ये जो लेक थी इसका पानी था। इस हनुमान जी के पैर भी कम से कम 2 या 3 फुट ऊंचे होने, फिर उसके नीचे आप एक चबूतरा जैसा बना था, वो वहाँ पे रेलिंग लगी थी ऐसे 3-3 फुट की, वो भी पानी के अंदर पूरी की पूरी चली गई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। और ये जो मेडिटेशन सेंटर है ये देखो आप, यहाँ से सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा का पूरा इस टाइम पानी के अंदर है। और इसके साथ ही एक घर आपको वो सामने दिख रहा है, इसकी भी जो फर्स्ट मंजिल है वो पानी के अंदर है, बिल्कुल पानी के अंदर है तो काफ़ी मजबूत है, बट अगर आज रात बारिश होती है तो ये वाला जो घर है ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा, अगर आज बारिश होती है तो। अगर नहीं होती है फिर तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से लोग ऊपर से आते थे और यहाँ नीचे आके लगभग मेरी उंगली की रेंज में यहाँ मछलियों को चारा डालते थे, बट आप देख सकते हो वहाँ पे 2 या 3 सीढ़ियाँ देख सारी की सारी पानी के अंदर डूब चुकी हैं। तो बोला जा रहा था पिछले कल कि ये जो सामने पौड़ियों के ऊपर आपको जो सड़क दिख रही है यहाँ तक पानी भर चुका है, बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखा दिया है। इस टाइम पानी इतना ही है, इसके बाद मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, बारिश हो सकती है। पानी का बढ़ता हुआ स्तर काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है। ये रहा कुंती मंदिर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे लोकल लोगों की देखने के लिए। ये रहा कुंत भयोग लेक का निकला हुआ पानी, और ये पूरा का पूरा आगे गुदाणी आप देख सकते हो वो वाली विलेज, और सामने बल तक इसका पानी जाता है। यहाँ पीछे लेक है और लेक का पानी बिल्कुल नीचे से आगे निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। अगर गलती से कहीं यहाँ से ये फट जाता है तो ये जो सामने नीचे वाली टोटल विलेजेस हैं ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आज गलती से बारिश होगी तो बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और ये यहाँ पे कुछ बौद्धिस्ट लोग, हम नीचे से कंटिन्यू पानी नीचे रिस रहा है, और जो मैंने आपको आगे बताया वहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। अभी मैं अभी यहाँ पे अपने रिस्क पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, बट मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर ली है छोटी सी। अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ। Thank you.
तो यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि ये जो आपको सामने पत्थर दिख रहा है, यहाँ पे पूजा की गई, धूप जलाया गया और यहाँ पे कुछ हवन वगैरह किया गया और बोला गया कि इस पत्थर के आगे पानी नहीं जाना चाहिए। तो फिर जिस दिन से पूजा की गई है उस दिन के बाद ये जो पत्थर है इसके नीचे से ही पानी आगे को चला गया है, बट इसके ऊपर पानी नहीं भर रहा है। अब बाकी आज पता लगेगा क्योंकि बारिश वाला मौसम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सड़क यहाँ से पूरी की पूरी धंस चुकी है और लोगों के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये रहा घर, इस घर का फर्स्ट फ्लोर पूरा पूरा पानी के अंदर समा गया है। अभी गिरा नहीं है बट पानी इसके अंदर पूरा का पूरा भर चुका है। जा रहे हैं अभी पंचमुखी टेंपल की तरफ। रोड के साथ ही पूरा का पूरा पानी लग चुका है। पंचमुखी हनुमान के टेंपल को ये सड़क जाती है। नैना देवी के लिए भी यही मेन रोड है, ये देख सकते हो आप। रोड पूरा का पूरा बीच से फट चुका है। टोटल रोड खत्म है। आगे बजरंग बोलिए ये पूजा हुई है और ये दोनों पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ से ऊपर पानी अब बढ़ नहीं रहा है। पुजारी का घर नहीं आया। आज के व्लॉग में मैंने आपको इस रोड के बारे में टोटल अपडेट दे दिया है और इस साइड के हुए नुकसान के बारे में भी बता दिया है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।